नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके दिन भर के सभी मुख्य समाचार आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि 24 के चुनाव में जनता परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहली और महत्वपूर्ण खबर आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी की तरफ से खबर आ रही है। राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है, बीजेपी में मचा हड़कंप। जितना पैसा बीजेपी ने अपने दोस्तों को दिया है, हम उतना सरकार में आते ही गरीबों को देंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का सबसे बड़ा ऐलान सामने निकल के आया है। इस ऐलान के बाद में सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के ही नेता है, उन्होंने ऐसा यहां पर बयान दिया है कि बीजेपी की हो रही है जमकर के किरकिरी। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी बोले, अडानी की पूरी संपत्ति जब्त की जाए और नीलाम कर दी जाए। अडानी की जितनी भी संपत्ति है, ये यहां पर मोदी सरकार की बदौलत ही है। ये यहां पर कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। आप लोग सुब्रमण्यम स्वामी की बात से सहमत है या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा। अगर सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले, बीजेपी का प्रोपेगेंडा। यहां पर वीडियो जारी किया जाता है कि वॉर रुकवा दी गई है पापा, लेकिन हकीकत क्या है? मणिपुर में हिंसा के कारण बूथों पर दोबारा से मतदान किया जाएगा, यह यहां पर ऐलान किया गया है। यह है बीजेपी सरकार की हकीकत। बताते चले, पहले चरण के मतदान के तहत में मणिपुर में हिंसा देखने को मिली थी वोटिंग के दौरान। ना तो वहां पर पीएम मोदी प्रचार के लिए गए, ना ही मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी कुछ बोलने के लिए तैयार हैं। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही बिहार से खबर आ रही है, जहां पर एनडीए को लगा है बेहद ही तगड़ा झटका। मौजूदा सांसद आरजेडी में शामिल हो गए हैं। जी हां दोस्तों, कटिहार के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर आरजेडी में शामिल हो गए हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की उपस्थिति में आरजेडी में शामिल हुए हैं सांसद चौधरी महबूब अली कैसर। ये यहां पर खबर आई है। इसके साथ ही आप लोगों को यहां पर बताते चले, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता यादव ने कहा, सीबीआई ईडी आईटी इलेक्टोरल बॉन्ड हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ना हो तो भाजपा 100 सीट भी पार नहीं कर सकती है, भाजपा डरे हुए हैं। ये यहां पर कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों अगर आप लोग भी तेजस्वी यादव की बातों से सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, राजस्थान से खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पहले चरण के बाद से ही बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आप लोगों को बताते चले, वोटिंग परसेंटेज कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं लोकसभा के चुनाव में। बताते चले, पहले चरण के मतदान में कम वोटिंग से भाजपा के बड़े नेता बेहद ही चिंतित है। कोर ग्रुप को दिल्ली से निर्देश मिले हैं कि रणनीति पर फोकस करें और जमीनी सच्चाई को समझने की गलती दूसरे चरण के मतदान में नहीं होनी चाहिए। ये यहां पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने साफ तौर पर संदेश दिया है बीजेपी के नेताओं को कि जमीनी स्तर पर जो हकीकत है उसको हल्के में नहीं लेना है। ये यहां पर देख सकते हैं, खबर सामने निकल के आई है, यानी कि बीजेपी का नेतृत्व भी मान रहा है कि राजस्थान के अंदर एक तरफा मुकाबला नहीं है, कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से मुकाबले में नजर आ रही है और यहां पर बीजेपी की मुश्किलें इस बार राजस्थान से ही शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी पर बेहद ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तिहाड़ में नहीं है डायबिटीज एक्सपर्ट। आम आदमी पार्टी ने लगा दिया है केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप। कहा हो रही है केजरीवाल की हत्या की साजिश। जी हाँ दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, आम आदमी पार्टी ने आज एक बार फिर से आरोप लगाया है कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। उन्हें शुगर होने के बावजूद इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ना केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी देख रही है कि कैसे केंद्र सरकार एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को मारने की साजिश रच सकती है। तिहाड़ जेल के डीजी ने
कल एम्स को लिखा कि हमें एक यहाँ पर मधुमेह रोग के विशेषज्ञ की जरूरत है, इसने भाजपा को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि सौरभ भारद्वाज ने काफी गंभीर आरोप लगा दिए हैं केंद्र सरकार पर। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही अपनी महत्वपूर्ण राय दोस्तों बताइएगा। इसके साथ ही एक और इंडिया गठबंधन की तरफ से खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, रांची में आज विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन है। जेएमएम की उल गुलान महारैली में लालू राहुल समेत अखिलेश यादव जैसे तमाम दिग्गज नेता जुटे, बीजेपी पहुंच गई है चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, मामला बताते चलें, झारखंड के रांची में आज इंडिया गठबंधन के दलों की बड़ी रैली हो रही है जिसमें 14 दलों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। इस रैली का नाम उल गुलान न्याय महारैली रखा गया है। बताते चलें, उल गुलान का मतलब बड़ा विद्रोह होता है जो जल जंगल जमीन के अधिकार को लेकर के बिरसा मुंडा ने शुरू किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस रैली की तैयारी में जुटा रहा। इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि रैली में लाखों लोग पहुंचेंगे। दावा किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि 5 लाख से भी ज्यादा की भीड़ इस रैली में यहाँ पर हो रही है। इतना ही नहीं, बताते चलें, इस रैली में आरजेडी के प्रमुख लालू यादव, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के नेता फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं वे भी पहुंचे हैं। अखिलेश यादव तेजस्वी यादव के साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे से प्रियंका चतुर्वेदी जैसे यहां पर तमाम दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन की रैली में पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी महारैली देख करके बौखला गई है। जी हां दोस्तों, मामला ही कुछ ऐसा है, बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई है रैली के खिलाफ में। इस रैली के खिलाफ में भाजपा चुनाव आयोग के पास में पहुंच गई है। बीजेपी का आरोप है कि रैली आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। यहां पर गौर कीजिए, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ये आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने रैली को लेकर के खुलेआम गाड़ियों पर झंडे बैनर और पोस्टर होर्डिंग लगाए हैं वह आचार संहिता का उल्लंघन है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए बताते चलें, ये वही बीजेपी है जो धर्म के नाम पर वोट मांगती है, हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगती है, मंदिर मस्जिद पर वोट मांगती है। ये वही बीजेपी है जो सेना के नाम पर वोट मांगती है जनता से, और अब ये बीजेपी चुनावी आदर्श आचार संहिता का हवाला दे रही है, जो लगातार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती है पार्टी, वही यहाँ पर कानून की दुहाई दे रही है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं या फिर एनडीए जो कि बीजेपी के नेतृत्व में है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। व्यापारी रामदेव को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से लगा है बेहद ही बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है योग शिविर के लिए सर्विस टैक्स चुकाने का आदेश। लगा झटका रामदेव को। रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय न्यायाधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें ट्रस्ट को योग शिविरों के आयोजन के लिए प्रवेश शुल्क लेने पर सेवा कर का भुगतान करने को कहा गया था। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को एक बार फिर से तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर रहे तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।